तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। होप करता हूँ सभी बढ़िया है। अभी टाइम हो चुका है 12:30 और आज ये व्लॉग मैं 12:30 बजे मतलब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का सीन ये है कि जयपुर में काफ़ी अच्छा मौसम है, मतलब सर्दी भी पहले से कम हो चुकी है और धूप भी बहुत तेज़ पड़ने लगी है, यानी कि गर्मी की जो स्टार्टिंग हो चुकी है। मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, मतलब सामने से इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। और अभी मैं छत पे हूँ, आज मतलब थोड़ा सा काम है, शहर में भी काम है और घर पे भी थोड़ा बहुत काम है। तो पहले मैं घर का थोड़ा बहुत काम जो है फिनिश करूँगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे सिटी में। सिटी में दिखाऊँगा कैसा क्या माहौल रहता है रिपब्लिक डे के दिन जयपुर में, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। होप करता हूँ आप सभी लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो हे गाइस, अभी मैं हो गया हूँ नहा धो के एकदम रेडी मार्केट जाने के लिए, और अब बस खाना बाकी रह रहा है। तो मम्मी यहाँ पे गोबर थाप रही है, वो जो हमने उठा के फेंका था संक्रांति दिन, अब ये फिर से थापने लग रही है यहाँ पे। और ये देखो, ये ढेर सारा इकट्ठा हो चुका है 5-10 दिन का, तो फिर से छापने लग रही है। खाना खा के फिर निकलेंगे सिटी के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ सिटी का माहौल। एंड गाइस, आज मैंने पहनी है ये डेनिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं आपने मेरे ज़्यादातर व्लॉग जो है वो ब्लैक कलर की जैकेट में ही देखे होंगे, लेकिन आज मैंने ये न्यू डेनिम जैकेट डाली है, तो अलग सा लग रहा होगा थोड़ा बहुत। और आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ डेनिम जैकेट में, ये ज़्यादा सही लगती है या फिर वो ब्लैक वाली जैकेट ज़्यादा सही लगती है। तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और यहीं खाना खाऊंगा, हल्की हल्की ठंड भी है तो हवा में है वो तो ठंड। मम्मी खाना, तो मम्मी अब हाथ धो के खाना लेके आएगी मेरे लिए। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम साफ आसमान निकला हुआ है, इफ़ यू कैन सी। और ये देखो हमारे छत पे सर्दियों के फूल निकले हैं, गुलदावदी। सो ये बहुत प्यारे लगते हैं गुलदावदी के फूल, अभी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हैं, तो धीरे धीरे और आ जाएंगे इनके अंदर। और ये लहसुन है, आपको मैंने बताया ही था पहले। तो कुछ ऐसा है हमारे यहाँ का तो वेदर अभी के लिए। सो गाइस, अभी मेरा खाना आ चुका है और खाने में कटहल की सब्ज़ी और रोटी जो कि चूल्हे पे बनाई हुई है, तो चलो खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घाट गेट पे। ये जो मेरे पीछे जो गेट है ये घाट गेट है, इसके बाद में आएगा सांगानेर गेट, इसके बाद में आएगा न्यू गेट, फिर लास्ट में है अजमेरी गेट। तो अपन को जाना है न्यू गेट में, न्यू गेट पे जहाँ पे वो है चौड़ा रास्ता, अपन को जाना है न्यू गेट पे जहाँ पे चौड़ा रास्ता है, तो वहाँ पे मुझे कुछ काम है सबसे पहले, उसके बाद हम चलेंगे चांदपोल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घाट गेट पे। मैं जो है सामने से नहीं दिखा सकता क्योंकि क्या है इसमें माउंट करने की जगह नहीं है मोबाइल को, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा रुक रुक के। तो यहाँ से सांगानेर गेट जस्ट 500 मीटर पर ही है, पास में ही है बिल्कुल। तो चलो सांगानेर गेट चलते हैं, फिर सांगानेर गेट से सीधा घाट सॉरी न्यू गेट चलेंगे। तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं सांगानेर गेट पे। ये जो मेरे पीछे गेट है ये सांगानेर गेट है, और अभी मैं खड़ा हूँ महिला चिकित्सालय के सामने। सांगानेर गेट, ये महिला चिकित्सालय है सांगानेर गेट पे, इधर सांगानेर गेट है और इसके जस्ट सामने ही महिला चिकित्सालय है। और यहाँ से जो न्यू गेट है वो जस्ट 200-300 मीटर पर ही है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हो ये है न्यू गेट, और ये है चौड़ा रास्ता, ये चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो भी होता है, कॉपी किताब जो सब यहीं पे मिलता है। तो अभी हमें यहाँ पे न्यू गेट पे, और अब हम जा रहे हैं आगे, आगे थोड़ा सा काम है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज़, ये है चौड़ा रास्ता, चौड़े रास्ते में थोड़ा सा अंदर आके हैं हम,
और जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं, तो अब जा रहे हैं हम चांदपुर। चांदपुर का रास्ता सीधा यहीं से ही है, सामने जो रोड है वहाँ से निकल के सीधा चांदपुर निकल जाऊँगा, तो वहाँ पे भी कुछ काम है। तो गाइस ये आ गए हम हमारी सेकंड लोकेशन पे। तो यहाँ से कुछ मुझे चैन वगैरह लेनी थी ऑर्डर के लिए, तो अभी हम यहाँ से चैन वगैरह ले लेते हैं। चैन दिखा दो अंकल। तो गाइस अभी हमने चैन ले ली है भैया के पास से, तो यहाँ का काम तो फिनिश हो गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब हमारा जयपुर जो है अंदर से कैसा दिखता है। ये देखो बाहर से तो सब लोगों ने देखा होगा, और अंदर से मतलब बहुत कम लोग हैं जो दिखाते हैं। तो ये देखो ये चांदपुर के पास में है ये जगह, इसका नाम है जाट के कुएं का रास्ता, और ये शॉप है जहाँ से मैंने लिए है अभी। ये चेहरे में पीछे देख लो, उनके पास सब मतलब जो भी मतलब सामान होते हैं ज्वेलरी से ले लेते हैं वहाँ सब मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से लिए चैन, अब हमने ले लिया, इनको पेमेंट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से थर्ड जो जगह है हमारी वहाँ के लिए। ये देखो हमारे जयपुर अंदर से ऐसा दिखता है। अभी हम जा रहे हैं लाहरगढ़ रोड कुछ सामान लेने वहाँ से भी। सो गाइस मैं आया था अभी नारगढ़ रोड, तो यहाँ से मैंने अभी ये शॉप से कैप ली है, तो ये क्योंकि मेरे को लेनी थी एक कैप, और गॉगल भी लेना है मुझे एक, तो अच्छी लग रही हो, फर्स्ट टाइम कैप वियर कर रहा हूँ। और ये शॉप है नारगढ़ में, नारगढ़ रोड पे आप आओगे तो आपको मतलब यहाँ पे ऐसी शॉप कहीं मिल जाएगी जहाँ से आप मतलब एसेसरीज वगैरह अच्छी रेट पर मतलब परचेज़ कर सकते हो। तो ये कैप भी मैंने 120 की परचेज़ की है, काफ़ी अच्छी है लुकिंग वाइज भी, और यही कैप आपको मॉल में लगभग 450-499 की मतलब मिलेगी। ये एक गॉगल है मैं लगा के देखता हूँ, होप अच्छा लग रहा हो। तो चलो मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ अच्छा सा गॉगल, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो गाइस हमारे पूरे जयपुर में जो है यही नारगढ़ रोड से ही सप्लाई होता है सारा माल। ये होलसेल शॉप है जहाँ पे मैं आया हूँ, तो अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, चलो देख रहा हूँ अभी मैं, कोई पसंद आ जाता है तो अच्छा सा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। छोटा मोटा कोई बिल्डिंग कार ये भी काफी ऊपर जा रहा है, स्पीड भी सही है, ठीक है, आवाज भी साफ है, उनके पास नहीं होता ना ऐसे तो किलो महंगा हो गया। अब मैं बेचूंगा उसको जो 40 रुपये किलो महंगा बिकेगा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया 246। मैंने अभी ये वाला फाइनल किया है, गाड़ी बोटर तो बढ़िया कर दिया मैंने, बोटा बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ मैंने अभी गॉगल और कैप तो फाइनल कर ली है, और अब मेरे को एक मास्क और लेना है, तो मास्क भी ले लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आ रहा है फाइनल अपना। सो गाइज़ मैंने ये एक मास्क फाइनल किया है और कैप एंड ये गॉगल्स, आप देखो कैसा लगा। वो जो मेरा पहला वाला मास्क था वो मेरे कानों में चुभ रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने न्यू लिया है इस वजह से। और एज ऑलवेज मेरे को ब्लैक कलर ही पसंद है, सो कैप ब्लैक, मास्क ब्लैक, एंड गॉगल मेरे को ब्लैक में अवेलेबल नहीं हुआ इसलिए मैंने ब्राउन से काम चला लिया क्योंकि अच्छा लग रहा है। चलो सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, और ये शॉप है जहाँ से मैंने परचेज़ किया है, आप भी आ सकते हो, काफ़ी अच्छी इनकी प्राइजेज है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, लेटेस्ट लेटेस्ट कलेक्शन है इनके पास अवेलेबल है। और ये है नारगढ़ रोड, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मतलब फैशन सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं फोर्थ लोकेशन पे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। तो गाइस मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ कैप एंड गॉगल्स और ब्लैक मास्क यूज़ करके, तो मैं जा रहा था अपनी फोर्थ लोकेशन की तरफ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक तिब्बतियन मार्केट लगा हुआ है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं क्योंकि
मैंने कई बार देखा है यहाँ से गुजरता था, तो मैं देखता था कि हाँ यहाँ पे एक मार्केट लगा हुआ है, पर कभी गया नहीं अंदर। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग तो बना ही रहे, तो अंदर से दिखा देता हूँ कैसा है और क्या मतलब अंदर बिका है। मैंने मेरी बाइक जो है वहाँ पे लगा दी है और अब आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा क्या है। सो गाइज, ये है बाहर से कुछ तिब्बतियन शरणार्थी बाजार, तो इसका ये एंट्रेंस है और ये लगा हुआ है चोगान स्टेडियम में। तो आप पढ़ सकते हो ऊपर तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी है जैसा मैं देख रहा हूँ, और ये शायद वूलन मार्केट लगा हुआ है। ये देखिए, जो सर्दी का जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे बिक रहे हैं। हाँ, फुल ऑन वूलन मार्केट है पूरा, एज़ आई कैन सी। और भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ है। देखो काफ़ी अच्छा मार्केट है, और ये शायद तिब्बतियन लोग हैं जिन्होंने ये मार्केट लगाया हुआ है। और हाँ, तिब्बतियन लोग हैं सारे, हाफ चाइनीज़ यू कैन से। और देखो बहुत बड़ा मार्केट है, और ऑल वूलन, टोटल वूलन मार्केट है टोटल। ये देखो सारे ये तिब्बतियन लोग हैं जिन्होंने मार्केट लगाया है। एंड लुक, हाफ चाइनीज शॉल्स, स्वेटर्स, काफी लंबा मार्केट है। लुक, ऑल आर चाइनीज तिब्बतियंस, ऑल आर तिब्बतियंस। सो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो सर्दियां जाने वाली है, थोड़े से दिन की सर्दियां और बची है, और मार्केट बहुत बड़ा है, टोटल वूलन है, मतलब नॉर्मल कोई भी कपड़े नहीं है, सिर्फ वूलन ही वूलन है। लुक एट देयर फेसेस, लुक एट देयर फेसेस। दिस इज तिब्बतियन मार्केट, और मे बी ये लोग काफ़ी अच्छी रेट पे जो है सेल कर रहे हैं। लेट्स ट्राई द प्राइस, एक्सक्यूज मी। इसके करते हैं ट्राई, ये कितने का है? ओके, इस पे टैग है, ये ऐसे बोल रहे हैं, और ये है 740, 740 का है। नाइस भैया, ये निकल गया, इसको लगा दो, निकल गया इसमें से, निकल गया इसमें से, ये 740। ओके, ये 450 का है। नाइस, काफ़ी गर्म है ये। ओके भैया, थैंक यू। तो प्राइस काफ़ी सही है मार्केट से, तो जो नॉर्मल मार्केट होता है उससे तो काफ़ी सही प्राइस है। और ये यहाँ पे एंड है इस मार्केट का। लुक, खिलौने वाला देखेंगे अपन, ये देखिए भैया कैसे। एक्चुअली ये बहुत दिनों से लगा हुआ था, पर मैंने आज ही विजिट किया है। ये लगभग सर्दियों, मास्क लगाएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क की अनाउंसमेंट हो रही है। और ये मतलब इसको लगे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मतलब 2 महीने से डेली लग रहा है ये मार्केट, और मैंने आज विज़िट किया है। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास वूलन का। तो ये तिब्बतियन लोग हैं तो इनको तो पता है कि सर्दी कैसी होती है, क्योंकि इनके वहाँ सर्दी पड़ती है ज़्यादातर। तो ये विज़िट कर लिया, अब चलते हैं हम हमारे काम से। काफ़ी अच्छा लगा मतलब देख के कि हाँ, उनके साथ जो भी मास्क लगाए, आप सभी
तो ये रेफ्यूजी लोग हैं जिन्होंने ये मार्केट लगाया है, और ये शायद हर साल अलग अलग जगह मार्केट लगाते हैं, तो इस बार इन्होंने जयपुर में लगाया है। तो जयपुर में ये है चौगान स्टेडियम में, अगर किसी को मतलब ज़रूरत है तो ये डेली लगता है यहाँ पे, और किसी को अच्छी प्राइस पे अच्छा वुलन के जो कपड़े हैं वो लेने हैं तो वो यहाँ पर आ सकता है। मैं देखा है काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो मैं जा रहा हूँ मेरी बाइक के पास वापस, क्योंकि वहाँ खड़ी है। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वहाँ पे, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, वहाँ मैंने टाइम दे दिया कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वहाँ पे। और हम लोग जस्ट एक नज़र देख के आ गए, तो चलो चलते हैं अब सीधा वहीं पर ही। तो गाइज़ मैं अभी हवा महल के आगे से निकल रहा था, तो मैंने सोचा आपको हवा महल दिखा दूँ। तो ये है हमारे जयपुर की आन बान शान हवा महल। तो मैं हूँ अभी हवा महल के सामने, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, अभी जोधीदार साइड जा रहा था, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना हमारे जयपुर के आन बान शान के दर्शन करा दिए जाए, जो कि है ये ब्यूटी हवा महल। कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताना। अभी मैं आ गया हूँ घर पर, सॉरी मैंने मास्क लगा रखा है, वो एक्चुअली अभी अभी घर पे आया हूँ, सो मास्क हटाना भूल गया था। सो हे गाइस, मैं अभी घर पे आ गया हूँ और टाइम हो गया है फिक्स 8 बज गए, और मेरा मार्केट का सारा काम ख़त्म हो गया था, और जस्ट अभी अभी घर पे आया हूँ, और मार्केट में मुझे लग गए लगभग 4.5 घंटे। तो अब आया हूँ, कुछ खाऊंगा, क्योंकि खाना थोड़ा सा खा के गया था, ज़्यादा नहीं खाया था मैंने। सो ये था आज का हमारा ब्लॉग, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।